वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का चैप्टर 17 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स की एक्सरसाइज 17A। बट यहां पर ना एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप एक चीज समझ लो, यहां पर इस एक्सरसाइज को या फिर बोलो इस पूरे चैप्टर को ही आसान बनाने के लिए आपको इसके सारे फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्यूबॉइड, ठीक है। अब देखो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन कहते हैं भैया क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, अगर कहते हैं टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो तो ये फॉर्मूला लगा दो, लैटरल सरफेस के लिए ये है, डायगोनल के ये है। अगर आपने यहाँ पर फॉर्मूले रट लिए तो इस चैप्टर से आप स्कोर अच्छा कर सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर में फॉर्मूले के अलावा और कुछ है नहीं। क्वेश्चन पढ़ो, जो भी पूछ रहा है फॉर्मूला पुट करो और आंसर निकल आएगा, बस ऐसा ही है ये चैप्टर। अब यहाँ पर जो आगे आपको दिख रहा है ये क्यूब दिख रहा है, क्यूब के सारे फॉर्मूले रट लो। यहाँ पर सिलेंडर है, सिलेंडर के सारे फॉर्मूले रट लो। ऐसे आपके पास होलो सिलेंडर है, हेमिस्फीयर है, कोन है, ठीक है, स्पीयर है, इन सभी के आपको फॉर्मूले को रटना बहुत ज़रूरी है। चलो अब हम मान लेते हैं कि आपने फॉर्मूले रटे हुए हैं, नहीं रटा है तो भैया देखो एक्सरसाइज को करने से पहले दो तीन बार अच्छे से पढ़ लिया करो सारे फॉर्मूले, और जब एक्सरसाइज कर लेना ना उसके बाद भी सारे फॉर्मूले पढ़ लिया करो। अब हर बार ऐसे ही करते रहोगे ना तो अपने आप रट जाएंगे। चलो अब शुरू करते हैं इसके पहले वाले से। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन ने कहा है कि आपके पास दो क्यूब हैं और हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है ना वो 27 सेंटीमीटर क्यूब है। आगे कह रहा आर जॉइंड इन टू फॉर्म अ सॉलिड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्वेश्चन ने ये कहा है कि इन दोनों क्यूबों को आपस में मिला दिया गया, मिलाने के बाद वो बन रहा है एक क्यूबॉइड, और उस क्यूबॉइड का आपको फाइंड करके बताना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया आपको फाइंड करके बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, नहीं आया चलो फिगर से समझो इसे फिर। अब यहाँ पर ना आप ध्यान से देखो कि एक क्यूब ये दिख रहा है, दूसरा क्यूब ये है। जब इन दोनों क्यूब को मिला दिया ना तो यहाँ बन गया एक क्यूबॉइड। अब हमें इस क्यूबॉइड से सरफेस एरिया फाइंड करके बताना है, और सरफेस एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है ना वो लिख देते हैं यहाँ पर। पहले तो यहाँ लिखा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा भैया यहाँ पर टू LB प्लस यहाँ पर BH प्लस LH, ये होता है। अब यहाँ पर L, B और H क्या हमें यहाँ पता है इस क्यूबॉइड का, नहीं पता ना, तो हम लोग सबसे पहले LBH को फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें सिर्फ गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम गिवन है, और क्यूब के वॉल्यूम के ही हेल्प से हम लोग यहाँ पर फाइंड करने वाले लेंथ, ब्रेथ और हाइट। कैसे, यहाँ पर ज़रा ध्यान देना, हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले लेट कर लेते हैं। हमने यहाँ लेट किया, लेट द लेंथ, क्या कर दिया लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ, हमने कर दिया क्यूब, क्यूब की सभी साइड का हमने लेंथ यहाँ पर लेट कर लिया है x सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। देखो जब भी क्यूब होता है ना तो क्यूब की सारी साइडें एक जैसी होती हैं, सभी एक्स एक्स हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब हमें यहाँ पर गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहाँ लिख दिया हमने वॉल्यूम ऑफ, ये हो गया हमारे पास क्यूब, इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 27। अच्छा ये बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइड क्यूब होता है, और साइड को हमने यहाँ पर क्या लेट किया है x, तो यहाँ पर हो गया x क्यूब इक्वल्स टू हो गया 27, और यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा क्यूब रूट, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 9 3 9 हो जाता है 27, तो यहाँ पर आ गया 3 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि हमारे पास जो क्यूब थे ना इनकी जो साइड है वो है 3 सेंटीमीटर की है, कितनी है 3 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पर बेसिक समझना, एक क्यूब ये है, इसी में दूसरा क्यूब हमने मिला दिया तो ये बन गया क्यूबॉइड। अब देखो ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और क्यूबॉइड की हेल्प से देखोगे, क्यूबॉइड की तरफ से देखोगे तो आपको ये पूरी एक लेंथ दिखेगी, और ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 3 + 3 6 हो जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर की इस क्यूबॉइड की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर विड्थ और हाइट तो सेम ही रहेगी, ये 3 हो जाएगी और ये 3 रहेगी, बट ये जो लेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि ये दोनों मिला दिए गए हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि जो लेंथ है वो 6 है, विड्थ है 3 है, और हाइट है हमारे पास 3। अब यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ये हो गया हमारे पास 2, L मतलब 6 इंटू बी मतलब 3 प्लस बी मतलब 3 इंटू एच हो गया 3 प्लस L हो गया 6, H हो गया हमारे पास 3 हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया 18
प्लस हो गया 9 हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 18, ठीक है, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, और यहाँ पर 18 और 9 हमारे पास हो जाएगा ओके 45, ओके, और यहाँ पर हो गया 90, यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, और यही आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। ये क्या आया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना है 90 सेंटीमीटर, और यही हो गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। देखो हमेशा याद रखो, क्वेश्चन जो भी पूछ रहा हो, जैसे ही क्वेश्चन ने क्या पूछा यहाँ पर, सरफेस एरिया पूछा ना, तो इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया। फिर देखो कि इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या पता है, मतलब कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमने देखा यहाँ पर L भी नहीं है, B भी नहीं है, और H भी हमें नहीं पता है। तो क्या करो, इसको फाइंड करने से पहले यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट को फाइंड करो। अब उसको कैसे फाइंड करोगे, जो भी गिवन होगा ना उसकी हेल्प से आपको फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पर ये हमें गिवन था, तो इसकी हेल्प से हमने x फाइंड कर लिया। अब इस x से क्या हुआ, इससे पता चल गया कि भैया जो हमारे पास क्यूब है ये 3 सेंटीमीटर के हो गए। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल ली, और यहाँ पर आ गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2, द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज दिस, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। क्वेश्चन है यहाँ पर क्या आया है कि भैया आपके पास जो हेमिस्फीयर है ना, इस हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है ये गिवन है, आपको फाइंड करके बताना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब इसी हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आपको करना है फाइंड। तो हमने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन जो भी पूछ रहा होगा ना, उसका सबसे पहले आपको फॉर्मूले को लिख लेना है। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन, यहाँ पर हमें जो भी गिवन था वो हमने लिख लिया, और साथ में हमें फाइंड करना था सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, और इसका फॉर्मूला हमने लिखा है 2πr². अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर। क्या इस क्वेश्चन में कहीं हमें आर गिवन है, आर तो हमें गिवन नहीं, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करना होगा आर को। अब आर को कैसे फाइंड करें, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का भैया फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सबसे पहले लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ, यहाँ कर दिया हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2π r, ये हो गया हमारे पास क्यूब हो गया, ठीक है, ये होता वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमें गिवन है ये। तो यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1 करोगे, 2 4 हो जाएगा यहाँ पर 48, 50 प्लस 1 51, ठीक है, बाई 2 हो गया इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो तो 2π 3 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7, और यहाँ पर हो गया हमारे पास आर क्यूब हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको उठा के इधर ले आना है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4851 डिवाइड में हो गया 2 इंटू हो गया हमारे पास 3/2 इंटू हो गया हमारे पास 7/22 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास आर क्यूब हो गया, गॉट इट। अब क्या करो कि 11 से कैंसिल करो, 11 से करोगे 441, 11 से करोगे 11 2 ज़ा, और यहाँ पर आ गया 441, तो यहाँ लिखा 441, 7 3 ज़ा हो जाएगा यहाँ पर 21, और यहाँ पर 2 × 2 × 2 को ऐसे ही लिख दो, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। अच्छा देखो यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्यूब रूट, यहाँ पर हटेगा तो यहाँ पर क्यूब रूट हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास सिर्फ आर। अब यहाँ पर 441 है ना, 441 होता है 21 का स्क्वायर होता है, तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 21 इंटू यहाँ लिख दिया हमने 21 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 21, और डिवाइड में आ गया हमारे पास 2 2, और यहाँ पर आ गया 2 इक्वल्स टू हो गया आर। अब देखो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 21/2 आ गया इक्वल्स टू हो गया आर। अब इसको सॉल्व करोगे 10.5 मिल गया, और यहाँ मिल गया हमें आर। तो हमें यहाँ पर आर गिवन है, मतलब गिवन नहीं, हमने फाइंड कर लिया 10.5, क्लियर है, और ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर आर फाइंड कर लिया कि हमें यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर मिल चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो क्या करो, आर की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखा हमने कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू हो गया 2 × 22/7, यहाँ पर हो गया 7 × r, मतलब हो गया रेडियस, जो कि हो गया 10, यहाँ पर हो गया 5, ठीक है, और यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 5, ठीक है। अब वो एक काम करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, सो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 10, तो इसको पहले कैंसिल करेंगे 2 से 11, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ से 2 से कैंसिल करो तो यहाँ पर हो गया 5,
फाइव से करो 5 2 10 और 5 1 5 फाइव से करो 5 2 10 5 1 5 7 3 0 तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 33 इंटू आ गया हमारे पास 21 आ गया। अब इसका हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 33 इंटू 21 करेंगे ना तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 693 और ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कर्व सरफेस एरिया 693। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज दिस, फाइंड इट्स वॉल्यूम। क्वेश्चन ने कहा है कि आपको वॉल्यूम फाइंड करना है हेमिस्फीयर का और यहां पर हमें गिवन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो कि ये है। अब इसकी हेल्प से वॉल्यूम को फाइंड करेंगे, बट वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। जब तक हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। तो चलो यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³। गॉट इट। और यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया जो हमें गिवन था वो हमने लिख लिया। अब इसमें ध्यान से देखो, अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए r जो कि है रेडियस। क्या हमें इस क्वेश्चन में रेडियस गिवन है? बिल्कुल भी नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं रेडियस को, और रेडियस को कैसे फाइंड करेंगे? जो भी हमें गिवन है उसकी हेल्प से करेंगे फाइंड। यहाँ लिखा है टोटल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3 πr² गॉट इट। और टोटल सरफेस एरिया हमें पता है 462 है, तो यहाँ लिख दो 462 इक्वल्स टू 3, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और यहाँ पर हो गया हमारे पास आर स्क्वायर हो गया। यहाँ लिख दिया हमने 462। अब देखो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 22 भी मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो 7 है ये डिवाइड में, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। इतनी बात क्लियर हो गई और ये हो गया हमारे पास आर स्क्वायर हो गया, ये आ गया। अब इसको हम लोग करते हैं कैंसिल, तो ये हमारा 2 से जाएगा, 2 से 4 3 और यहाँ पर 1, यहाँ पर हो गया हमारे पास 11। ओके, तो इसे करेंगे तो ये 2, ये 11 से जाएगा, 11 2 हो जाएगा 22 और यहाँ पर 11 1 11 21 हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये बचा हमारे पास 3 3 7 और 7 7 हो जाएगा 49, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 49 इक्वल्स टू हो गया आर स्क्वायर। स्क्वायर हटा दो, यहाँ लग जाएगा रूट और ये हो जाएगा 49 और 49 ये होता है 7 का स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं 7 इक्वल्स टू आर, तो हमें आर की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पर 7। हमने यहाँ पर r फाइंड कर लिया ना, अब इस r की वैल्यू को उठाओ और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के फॉर्मूले में पुट कर दो तो हमें मिल जाएगा इसका सोल्यूशन। तो देखो यहाँ लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू हो गया 2/3, यहाँ पर हो गया पाई और ये हो गया r³ हो गया, यहाँ पर हो गया 2/3, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और यहाँ पर r मतलब रेडियस मतलब 7 × 7 × 7। 3 बार इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है क्यूब, 7 से ये 7 हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाओ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 44, 7 7 हो गया हमारे पास 49 और यहाँ पर आ जाओ तो ये हो गया हमारे पास 3। अब देखो इसको कैंसिल करेंगे तो 3 1 3 और ये तो जाएगा नहीं, चलो इसको कर देंगे तो 3 1 3 19, ये भी नहीं। अब डायरेक्ट इसका हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर हमें मिल जाएगा 2156/3। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 718.67 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारे पास क्यूब और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। देखो यहाँ पर ना मल्टीप्लाई खुद से करना है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे ना तो वीडियो वैसे भी बहुत बड़ी हो रही है और भी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, इसका वॉल्यूम निकल के आया है हमारे पास 718.67 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया है सॉल्व। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में। ये कह रहा है अ 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ बेस डायमीटर 14 मीटर एंड हाइट 24 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यूज एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर मीटर। यहाँ पर क्वेश्चन 4 कह रहा है कि आपके पास एक क्लॉथ है और उस क्लॉथ से एक बना दिया है कोनिकल टेंट, और उस कोनिकल टेंट की जो डायमीटर है वो 14 मीटर है, हाइट है 24 मीटर। तो जनाब ये बताओ कि जो आपके पास क्लॉथ है ना, उस क्लॉथ की कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट पूछ लिया गया और साथ में ना यहाँ पर बताया गया कि 25 रुपीज़ पर मीटर की उसकी कॉस्ट है, मतलब कि एक मीटर की जो कॉस्ट है वो 25 है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी ये हमें बताना है।
तो कॉस्ट फाइंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लॉथ की लेंथ क्या है। अगर हमें लेंथ मिल जाएगा ना, तो जो भी लेंथ होगी उस लेंथ की 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगी क्लॉथ की। बट बात आती है यहाँ पर लेंथ फाइंड कैसे करेंगे, लेंथ को फाइंड करना है। तो लेंथ को फाइंड करना बहुत ईजी है, बट उससे पहले इस क्वेश्चन को ना एक बार फिगर से आप समझ लो। यहाँ पर हमने बना दिया है एक क्लॉथ, और इसी क्लॉथ से बनाया जा रहा है एक कोनिकल टेंट। ये हो गया हमारे पास कोनिकल टेंट हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने ये बताया कि जो ये कपड़ा है ना क्लॉथ, इस क्लॉथ की जो विड्थ है वो 5 है, और इस कोनिकल टेंट की जो हाइट है ना वो है 24, और इसका जो डायमीटर है वो है हमारे पास 14। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि इस कपड़े की आपको कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट को फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा इसकी लेंथ, क्योंकि लेंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 25 का, जो कि क्वेश्चन ने बताया कि पर मीटर की कॉस्ट है 25, तो हमें इसकी मिल जाएगी क्या कॉस्ट मिल जाएगी। बट बात आती है इसकी लेंथ को फाइंड कैसे करें। उसके लिए आप यहाँ पर समझो, क्वेश्चन ने ये कहा है कि इस कपड़े से बनाया जा रहा है ये वाला कोनिकल टेंट, तो इसकी जो एरिया होगी वही एरिया इसकी भी होगी, दोनों की एरिया सेम होगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया, एरिया ऑफ हमने कर दिया यहाँ पर हमारे पास क्या है क्लॉथ है, इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, जब कभी भी हमें कोन की एरिया निकालनी होती है तो हम लोग निकालते हैं सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। गॉट इट। अब देखो एरिया ऑफ क्लॉथ हो जाएगा एल इंटू बी, यहाँ कर दिया एल इंटू कर दिया हमने बी, इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया हो गया हमारे पास पाई आर एल। ये हो गया पाई, हो गया हमारे पास 22/7। आर क्या है रेडियस, देखो अगर डायमीटर हमारा 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा, तो यहाँ हमने कर दिया 7 इंटू एल। अब ये एल क्या है, ये होता है यहाँ पर, ये होता है सिलेंट हाइट, इसे हम लोग बोलते हैं सिलेंट हाइट एल। ठीक है, अगर हमें ये नहीं पता होगा ना तो यहाँ पर इस एल को हम लोग फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। तो बात आती है कि इस एल को फाइंड करने से पहले हमें ये वाला एल को करना पड़ेगा फाइंड। अब कैसे करेंगे फाइंड, बहुत सिंपल है। जब कभी भी कोन में हमें सिलेंट हाइट फाइंड करनी होती है तो इस सिंपल सा फॉर्मूला होता है एल इक्वल्स टू रूट, यहाँ पर होगा एच स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया एच की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ये था 24, यहाँ पर होगा 24 का स्क्वायर। ओके, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होगा 576, कर दिया 576 प्लस 7 का स्क्वायर होगा 7 × 7 = 49, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 625 और रूट, और 625 ये रूट होता है किसका 25 का, यहाँ पर आ गया 25। तो हमें यहाँ पर सिलेंट हाइट मिल गई है 25, तो इस जगह पे हमने लिख दिया 25, 7 से 7 ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमने देखा 5 मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास डिवाइड में 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा और इसको ऐड करोगे तो 110 हमें यहाँ पर मिल जाएगा मीटर। तो यहाँ पर हमें लेंथ मिल चुकी है कपड़े की, जो कि है 110 मीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पर कॉस्ट फाइंड करनी है। तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या करो, इसी में आप मल्टीप्लाई कर दो 25 का, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ जो था हमारे पास, ये था हमारे पास 25 क्वेश्चन ने बताया। अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ, यहाँ कर दिया 110 मीटर क्लॉथ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 110 × 25 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2750 रुपीस। बस यही हमें फाइंड करके दिखाना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसी तरीके से करते हैं इसी के सेकंड पार्ट को। अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। तो ये कह रहा है द रेडियस ऑफ हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो ऑफ 5:12 इफ द वॉल्यूम ऑफ दिस, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। हमें यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन ने कहा है कि आपके पास एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है और इस कोन की जो रेडियस और हाइट है ना ये हमको रेशियो में दे दी गई है, और वॉल्यूम बता दिया गया, और कहा गया है कि इसी कोन का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करके बता दो। अब टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे टोटल, यहाँ कर दिया सरफेस और ये हो गया एरिया, ऑफ हो गया हमारे पास कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला हो गया ये हो गया पाई आर, ये हो गया हमारे पास एल प्लस आर हो गया। इतनी बात क्लियर है।
अगर हमें टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करना है ना, तो उसके लिए हमें एल और आर को करना पड़ेगा फाइंड। बट यहाँ पर ना हमें कुछ गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है रेशियो आर और हमें गिवन है यहाँ पर हाइट इक्वल्स टू है 5:12। हमें ये गिवन है ना, ये हमें। अब बात आती है कि ये तो गिवन है, बट यहाँ पर हमें प्रॉपर, यहाँ पर अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, तो हमें रेशियो नहीं, हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि रेडियस क्या है और यहाँ पर लेंथ क्या है। तो हम लोग सबसे पहले रेडियस को फाइंड करेंगे। तो रेडियस को फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले ये करो कि जो ये h डिवाइड में है, इसको यहाँ भेज दो मल्टीप्लाई में। हमें यहाँ मिल जाएगा r इक्वल्स टू 5/12 और यहाँ पर हो जाएगा इंटू h, ये हो गया। अगर हम लोग कैसे भी करके इस h की वैल्यू को कर ले फाइंड, इस h की वैल्यू को, तो हम लोग रेडियस ईजिली फाइंड कर लेंगे। बट यहाँ पर बात आती है h को करेंगे कैसे फाइंड। तो इसके लिए एक बार क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में देखो इसके अलावा और क्या गिवन है। हमें यहाँ पर दिख रहा है वॉल्यूम गिवन है, तो यहाँ लिख दिया हमने वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हमने लिख दिया कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें गिवन है 340, वॉट इट। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास एच इक्वल्स टू 314 हमने लिख दिया। अब हम लोग इसकी हेल्प से एच को करने वाले हैं फाइंड। कैसे देखो, 1/3 को हमने 1/3 ही लिख दिया और यहाँ पर पाई की वैल्यू होगी 22/7 या फिर 3.14 कर दो, 14 हमने कर दिया। आर मतलब हो गया हमारे पास रेडियस और जो रेडियस है हमारे पास वो कितना है 5/12 इंटू एच है, यहाँ कर दिया 5/12 इंटू कर दिया हमने एच का स्क्वायर इंटू यहाँ पर भी हमारे पास हो जाएगा एच इक्वल्स टू हो गया 3.1, ये हो गया हमारे पास 4, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पे लिख दिया 1/3 इंटू कर दिया हमने 3.14, स्क्वायर करोगे 5 जा हो जाएगा 25 और यहाँ पर 12 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 144 हो गया और यहाँ पर हो गया हमारे पास h स्क्वायर इंटू हो गया हमारे पास h इक्वल्स टू हो गया 314 हो गया। अब इन सभी नंबर को उठा के इक्वल के इस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास h इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 314 और यहाँ पर आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 144 और यहाँ पर ये सब आ जाएंगे डिवाइड में, ऊपर ये 3 भी जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3.14 इंटू हो गया हमारे पास 25। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर ना एक काम करें, पॉइंट हटा दें, यहाँ पर 100 ऊपर बढ़ा दें, बढ़ गया 100, तो ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, 25 4 जाए ये चला गया, 3 4 जाए यहाँ पर हो गया 12 और यहाँ पर हो गया 12 इंटू हो गया हमारे पास 144, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पर h स्क्वायर था ना, इसको तो इधर ले नहीं गए, तो यहाँ पर भी होगा h स्क्वायर इंटू h कर दोगे तो यहाँ पर h क्यूब हो जाएगा क्यूब। अब यहाँ पर ना इसका हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 1728, क्यूब लगाए हट जाएगा यहाँ पर क्यूब रूट, और ये क्यूब किसका होता है, तो ये हो जाएगा 12 का, तो यहाँ लिख देंगे h इक्वल्स टू 12, ठीक है। 12 का क्यूब होता है 1728, तो हमें h की वैल्यू मिल गई। अब इस h की वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें r मिल जाएगा, तो देखो यहाँ लिखा हमने r इक्वल्स टू हो गया 5/12 इंटू कर दिया हमने 12 और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 5, तो हमें यहाँ पर रेडियस मिल चुकी है 5। अब देखो हमने रेडियस तो फाइंड कर लिया, अब हमें सिर्फ फाइंड क्या करना रह गया है l। अब कैसे भी करके अगर हमने यहाँ पर l को फाइंड कर लिया ना, तो इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, मतलब TSA को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर l को करें कैसे फाइंड, तो देखो यहाँ पर एक सबसे पहले हम कोन बना देते हैं, ये हो गया हमारे पास कोन, ठीक है। अब इस कोन में ना हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, ये देखो हमने फाइंड कर लिया है रेडियस जो कि है 5, यहाँ पर हमने लिख दिया रेडियस हमारी 5 हो गई, और यहाँ पर हमने अभी क्या फाइंड किया है h, ये हो गई हमारे पास h। देखो h भी पता है और हमें r भी पता है, अब हमें फाइंड कैसे क्या करना है, l फाइंड करना है, और l को फाइंड करना अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4th के फर्स्ट पार्ट में सीखा था, बिल्कुल वैसे ही इसको भी कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे l इक्वल्स टू अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारे पास h स्क्वायर प्लस हो गया हमारे पास r स्क्वायर, h मतलब हो गया हमारे पास 12 का स्क्वायर और r मतलब हो गया रेडियस जो कि हो गया हमारे पास 5 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर मतलब 144, 5 मतलब हो गया यहाँ पर 25
और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट में 169 और ये 169 हो जाएगा 13 का। तो हमें यहाँ पर L मिल चुका है जो कि है 13, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या मिल गया, L 13। अब देखो हमने R भी फाइंड कर लिया है और L भी फाइंड कर लिया, अब वैल्यू को उठाना है और इसमें पुट कर देना, हमें आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू को लिख देते हैं 3.14, आर मतलब रेडियस जो कि है 5, इंटू एल हो जाएगा हमारे पास कितना 13, प्लस हो गया हमारे पास 5, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3.14 है ना, 14 इंटू हो गया 5 इंटू हो गया 18। अब डायरेक्ट इसका आंसर जो आएगा वो लिख देते हैं 0.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई आप खुद से करना, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी कर लिया है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो दिस एंड देयर डायमीटर ऑफ द रेशियो दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट। क्वेश्चन 5 कह रहा है ना, आपके पास दो कोन है और उन दोनों कोन का जो वॉल्यूम है वो रेशियो में गिवन है, और साथ में उन्हीं दोनों कोन का जो डायमीटर है वो भी रेशियो में गिवन है, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है हाइट का रेशियो, ठीक है। दोनों कोन के हाइट का रेशियो फाइंड करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, हमें जो गिवन है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है, यहाँ लिख दिया वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ कर दिया हमने कोन, और यहाँ पर कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ, ये भी हो गया कोन, इसको बोल देते हैं 1, इक्वल्स टू, ये हमें रेशियो में गिवन है 1:4 है। अगर हमारे पास पहला वाला जो कोन है और जो दूसरा वाला कोन है, अगर इसकी बात की जाए तो इन दोनों का जो वॉल्यूम है ये अगर 1 होगा तो इसका ये क्या होगा 4 होगा, वो भी रेशियो की बात की जा रही है, ये ध्यान रखना। तो अब हमें ना हाइट फाइंड करनी है, तो बहुत सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ कोन का यहाँ पर फॉर्मूला लिख दो जो कि होगा 1/3, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर कर देते हैं h, ये हो जाएगा 1/3, ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये भी हो गया हमारे पास h, और ये हो गया हमारे पास 1/4 हो गया ना। अब यहाँ पर 1/3 और पाई ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहीं भी r गिवन है? नहीं, r तो गिवन नहीं है, बट हमें यहाँ पर डायमीटर पता है। डायमीटर हमें पता है कितना है, देख लेते हैं, इसको बोलते हैं d1, इसको बोल देते हैं d2, और डायमीटर हमें गिवन है 4/5, ये गिवन है 4:5 गिवन है। अब इसकी ही हेल्प से हम लोग निकालेंगे क्या, रेडियस। अब देखो डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है 2r होता है, या फिर बोलो कि भैया जो हमारे पास रेडियस हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो d/2 करके निकालते हैं। अब ये 2 डिवाइड में इधर भेज दे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 2r इक्वल्स टू dr, d इक्वल्स टू 2r हो गया ना। इसका मतलब हो रहा है कि डायमीटर की जगह में हम लोग लिख सकते हैं 2r, इस डायमीटर की जगह पे हमने लिख दिया है 2r, समझ में आ रहा है ना, यहाँ लिख दिया हमने 2r, और इधर भी 2r भी कर देंगे, यहाँ पर भी हो गया 2r, इसको r1 और इसे r2 बोल देंगे, और यहाँ पर हो गया 4/5 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो r1/r2 हमें मिल गया 4/5। तो यहाँ पर इसकी जगह पे 4 लिखो और इसकी जगह पे 5 लिख दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास r की जगह में 4 का स्क्वायर इंटू एच अपॉन 5 का स्क्वायर इंटू हो गया हमारे पास एच इक्वल्स टू हो गया 1/, ये हो गया हमारे पास 4। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। 4 का स्क्वायर होता है 16, और यहाँ पर h का स्क्वायर होता है, इसे h1 और इसे h2 भी बोल देते हैं, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25 इंटू हो गया हमारे पास h1 अपॉन, ये हो गया हमारे पास h2 इक्वल्स टू हो गया 1/4 हो गया, ये डिवाइड में जा जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो गया h1 अपॉन हो गया h2 इक्वल्स टू हो गया 1/4 इंटू हो गया यहाँ पर 25/16, यहाँ पर हो गया हमारे पास 25/16, 16 जा हो जाएगा 64, और हमें यहाँ पर हाइट का ही रेशियो फाइंड करना था, तो यहाँ पर हाइट का रेशियो आ गया है हमारे पास, हाइट का रेशियो आ गया है 25/64, बस हमें यही सॉल्व करके दिखाना था, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। तो यहाँ पर 25/64 हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर, बट जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। जाने से पहले आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो कमेंट करो, लाइक भी करो और शेयर ज़रूर किया करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।